मर जाना पागल हो गया वे भंग आले पकौड़े तेरी खा ले हसन वाली गल है सही बंदे नु करैक्टर च ही रहन दिया करो अच्छा अरे ओ सांबा ओ दुर दुर सांबा अरे कितना इनाम रखा सरकार हम पे पूरे 50,000 रखे नो मैं ग्वालियर दा डाकू हां मैं रनाले दा नहीं बसंती मत नाचना इन कुत्तों के आगे मैं किदो नचण दे किसे अन्नी दिया बचिया ईमान असीं बहना तेरा रख रहा है साडे ज़ेहन च नहीं साडा एवें ध्यान पौंदा है कितने आदमी थे दो सरकार दो वो दो और तुम तीन फिर भी वापस आ गए खाली यार क्या समझ के आए थे हैं वो तू नांदा क्यों नहीं ईमानदार मैं तीरा होने वाला हो गया एक मिनट भाई जी जरा क्लोज करना आज सीपी साहब ए डाकू तब्दील नहीं हो सकते एक ही लंडे दी पांडे चु कड्डे ने भाई यकीन करो आफताब साहब एडे फजूल डाकू मैं आज तक देखे नहीं इन्हों की शक्ल हैं डाकू वाली इन मैं रैफल कट ये गटर कड़न लग गया और एडा कारीगर 20 रुपये लेके आया क्या समझ के आए थे कि सरदार खुश होगा शाबाशी देगा क्यों तेनू कह रहे अन्नी दिया बचिया दिक्कत है सवान दे आईआर की बकवास करता पिया असल ते सांबा भी तो मेरा सौरा भी है पसंती मत नाचना कुत्तों के आगे मत नाचना मेरी बाहां खोल पहले मैं दिए बोटियां करके आवा सारी रात आराम से सुती रहती इतने सिरे बनी दू जय भाजी तुम भी कोई गल करो मैं क्या बोलू वीरो तुम्हारी बकवास ही बंद नहीं हो रही हाई भाई एडे ड्रैक एक्टर ये ने मैं तुम दस ही नहीं सकता वैसे अगर आप इस फिल्म की मेकिंग पढ़े ना तो इसके ओवर बजटिंग के हवाले से बड़ी दिलचस्प बातें हैं मसलन वीरू फिल्म में भी एक बड़ा शरारती कैरेक्टर था लेकिन धर्मेंद्र भाजी जो है ना वो रियल लाइफ में भी बड़े जोवियल और बड़े मजे के कैरेक्टर है कहा यह जाता है द्रोग बर गर्दने रावी और ये किताबों में दर्ज है कि लाइट मैन को ये पैसे लगवाते थे कि बार बार लाइट खराब कर देना मैं जब भी करदा रहे अच्छा मेरा हर सीन ओके हो जाता है जरा क्लोज करना असीपी को कुड़ी मेरे लिए नहीं सी मैनू खोतियां दी पंड देती रामगढ़ के वासियो रामगढ़ के वासियो अब किधर मार गया जे नलायक मरासी हो अच्छा पहली गल तो मैं कोई बोला नहीं हाँ इतने ऐसा बोल नहीं दूसरी गल मैंने खुरकन का ना आखी मैं डाकुओं को तेरे प्यो का मालशिया नहीं हाँ ये उन दिनों की बात है जब मैं बेलापुर थाने में था तो तुम्हें किसी ने पूछा है ये उन दिनों की बात है बस इसे यही फिक्र याद है अल्लाह की कसम मेरी इस फिल्म के 8-9 फिक्रे सब सर गब्बर 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 वेन मर जाए रोकसू ए तो कुछ नहीं होना बाबा नहीं है ये बाबा तो बगैर ही बड़ा खतरनाक लग रही गब्बर गब्बर मैं इधर मर ये उन दिनों की बात है जब मैं बेलापुर थाने में था बेलापुर थाने में तुम क्या थे मैं बतौर माली साजी होते गब्बर अगली गल कर हमें खबर मिली कि गब्बर और उसके आदमी वो सब कुछ हो चुका है ये सारे सीक्वेंस हम कर चुके हैं गब्बर ये भी कर चुके गब्बर बसंती मत नाचना इन कुत्तों के आगे ये पता नहीं बसंती की केड़ी सीढ़ी बनवाना चाहता है ठाकुर अभी तक जिंदा हो हाँ तुम्हारी मौत तक कौन मारेगा मुझे मैं और मेरे आदमी ये आदमी गब्बर इंसान का बच्चा बनी है हरेसमेंट के अंदर हो जाएगा मामा ऐ मारेंगे मैनू अशोले दे डांसर बहुत तुम्हारे सर पे खड़ी है गब्बर नजर उठा कर देखो ये मौत आखदा क्यों है कोई उसे लाइट मैन तो नहीं बिठाया है गब्बर ओए आराम ना आत्मा ना करी ये लगता ठाकर नहीं नाल में बांदर लेके आया ओए भी तेनू डाक